राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण के वायवीय संहिता के पूर्व खंड के अध्याय 32 की कथा, जो है परम धर्म का प्रतिपादन, शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायुदेव ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः पांच प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है, वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है, वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यागादि हैं, उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है, वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है, उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है, साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के दो भेद हैं, श्रौत एवं अश्रौत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है, वह श्रौत है, और जो स्वतंत्र है, वह अश्रौत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है, उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। वह शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है, वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है, वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है, उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है, उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव महेश्वर
रुद्र विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा ये मुख्यतः आठ नाम हैं। इन आठों मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि पांच नाम क्रमशः शांत्यातीता आदि पांच कलाओं से संबंध रखते हैं और उन पांच उपाधियों को ग्रहण करने से सदा शिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पादों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि पांच नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित हैं, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए। जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा हैं, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे जाते हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रियादि के ना होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन आठों नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि पांच नामों द्वारा निवृत्ति आदि पांच कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ और तालु भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा
अपने आत्मा को सहस्रार चक्र के भीतर ले जाएं, उसका शुभ्र वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंचित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित आ से लेकर के क्ष तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख द्वादश दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्तवत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजा के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मित्रों, ये थी अध्याय 32 की कथा वायवी संहिता के पूर्वखंड से शिवपुराण से। नमो नारायण।